नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बांग्लादेश क्राइसिस, पहले मित्र था बांग्लादेश, छोड़ आई शेख हसीना, कंगना को स्वीकार नहीं। बीजेपी नेता कंगना रनावत ने कहा कि बांग्लादेश हमारा मित्र हुआ करता था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने घेर लिया है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग अक्सर देखते आए हैं कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है, पूरी तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है, वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है, और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ताकतों को बेचने के लिए और जो है ऐसे लोगों को वोट देती है, हमें उनसे भी सतर्क रहना है। और जो हमारे आसपास लोगों को भटकाया जाता है उनको भी हमें रास्ते में लाना है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास क्या क्या हालत हो गई, इंसान की जान की कोई कोई मूल्य नहीं रहा हुआ है। तो ऐसा अगर मान लीजिए हमारे देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अब हमें हर तरीके से जो है घेर लिया है, हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए, जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा, तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने हमें घेर लिया है। तो अब भारत को हर निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, और हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में न जाने कितने आदिकाल से जो है सनातन का झंडा लहराया जा रहा है, और हमारे देश में जो है जो एक प्रजातंत्र है उसकी ग्लोरी जो है पूरा विश्व देख रहा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय, और ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से जो है ये हुआ है। पूरे देश को जो है इस चीज़ की जो है वो एक वो